नमो नमः सभी को। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, इसे वे 4 सहेलियों में बराबर बांटती है तो प्रत्येक को कितने मीटर लंबी रस्सी मिलेगी। यानी कि 6 मीटर रस्सी है और 4 भागों में बांट दी है, तो 6 भाग में 4 क्या करेंगे, 6 भाग में 4, इन 6 में भाग लगाएंगे 4 का, तो अपने पास कितने उत्तर आएंगे। जब 6 में 4 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएंगे 1.5, यानी कि 1.5 मीटर रस्सी अपने पास उत्तर आ गए। इसके बाद अगला सवाल है, नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही दो कमीज के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी एक मीटर में, एक कमीज के लिए 1.5 मीटर लग रहा है, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो अपन इसको 2 से गुणा कर देंगे। किसको, 1.5 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 1.5 गुणा में 2, तो उत्तर आ जाएंगे 3 मीटर, यानी कि 3.0, ये अपना उत्तर आ गया 3 मीटर। इसके बाद अगला सवाल है अपने पास, हाँ इन सभी सवालों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे सभी बच्चे। किसी संख्या का चरम अंक है, इकाई का अंक, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है। निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करो, यानी कि वैदिक गणित में 12 का गुणा 14 से करना है और सूत्र निखिलम विधि से अपन ने इसको गुणा करना है, तो इसकी हम पूरी डिटेल से व्याख्या करेंगे। 12 गुणा 14, देखो 12 का गुणा किसे कर रहे हैं, 14 से, और आधार कितना है अपने पास 10, आधार बेस कितना है 10, यानी आधार कितना है 10, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 12, और उसके बाद में हम ये देखेंगे 12 10 से कितना अधिक है 2, तो प्लस के 2, उसके बाद अगली संख्या उतारेंगे 14, और 14 10 से कितने अधिक है, प्लस के 4, क्योंकि 4 ज्यादा है 10 से, तो प्लस के 4, ये हो गया विचलन दोनों का। तो अब हम इसके बाद सवाल को आगे करेंगे, अब इनके जोड़े बनाएंगे, 12 प्लस में 4 कितना होते हैं 16, 12 प्लस में 4 कितने होते हैं 16, और 2 प्लस में 14 कितने होते हैं 16, दोनों का उत्तर 16 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इनमें से एक जोड़ा अपन नीचे लिख देंगे, तो 12 प्लस में 4 इस जोड़े को हम नीचे लिख देंगे ओब्लिक, और देखो इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों विचलनों का गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौके 8, 8 को हम नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद 12 प्लस में 4, 12 और 4 कितने होते हैं 16, ये हमने 16 लिख दिया, उसके बाद ओब्लिक का निशान, ये 8 था, 8 ऐसा ही तार लिया, उसके बाद अब हम 16 को 16 और 8 को नीचे तार देंगे, 168 ये हमारे उत्तर आ गए। धन्यवाद सभी को, आगे के बाकी सवाल देखने के लिए हमारा वीडियो भाग 3 देखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।